सदा था सदा है सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। ओम जय सियाराम। मित्रों, आज का विषय अपने कई दर्शक श्रोता मित्रों के अनुरोध पर लिया है और विषय है बेटी कहूँ या लक्ष्मी। मुझे उम्मीद है कि समाज के कुछ बिगड़े हुए लोग वैसे उनको बिगड़े हुए न कहकर मनुष्य के नाम पर कलंक कहना ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे लोग इस वीडियो को देखकर कुछ सीखकर शायद लड़कियों की भ्रूण हत्या करवाने वाले ऐसे लोग इस महापाप से तोबा कर लेंगे। आज का विषय अति रोचक एवं सोचनीय हर लड़की के लिए एक प्रेरक कहानी है और लड़कों के लिए अनुकरणीय शिक्षा है। कोई भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा दिल की होती है। पति ने घर में पैर रखा तो पूछता है, अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस अपनी बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र बेटी थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहा सुनी हो जाती थी, लेकिन वो मजाक में निकाल दिया करते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। SSC पास करके ट्यूशन सिलाई का काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करने लगी थी, लेकिन पिताजी उसकी पगार में से एक रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते थे, बेटी ये पगार तेरे अपने पास रख, वो तेरे भविष्य में काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से उस बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई। शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन बाकी थे। बाप ने बेटी को पास में बिठाया और कहा कि बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने ना कोई चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए थे, ये 2 लाख रुपए हैं, वो मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे, तू तेरे खाते में जमा करवा लेना। ओके पापा, बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। वो शुभ दिन 15 दिन बाद आ गया। बारात आंगन में आई। पंडित जी ने विवाह विधि को शुरू करवाया और फिर 7 फेरे लेने का समय आया। तो कोयल जैसी कुहकी हो ऐसे बेटी सिर्फ 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सब की उपस्थिति में मेरे पापा के साथ एक बात करनी है। पापा आपने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो मैं जीवन भर नहीं चुका सकती, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से जो आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक, मैं वो आपको वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के कारण लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, वो आप जब रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं ये नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होती तब भी इतना तो करती ही ना। वहां पर सभी की नजर उस बेटी पर थी। पापा अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो क्या दोगे? बाप भारी आवाज में कहता, हाँ बेटा इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो कि आज के बाद आप सिगरेट कभी नहीं पियोगे, सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे,
तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज ही छोड़ दोगे, यही मैं सबकी मौजूदगी में आपसे दहेज मांगती हूँ। लड़की का बाप भला कैसे मना करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को तो रोते हुए सबने देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धाराएं निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। रुपए का लिफाफा जो मैं कन्यादान के लिए ले गया था, मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा कि भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से शिक्षा अवश्य मिली होगी। अस्तु, जय सियाराम।